श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहो रात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरुपरंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा वशनाया पिपासे शोकातिगोमोदते स्वर्गलोके स्वतं अग्निगं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितगं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोकावमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यं अग्निं नचिकेत प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां
विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै य ईष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तम् अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायामवग्निः श्रृङ्काम चेमामनेकरूपां गृहाण तृणाचिकेततिभिरेत्य सन्धिम् त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मागं शान्तिमत्यन्तमेति तृणाचिकेतत्रयमेत विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरुता प्रणोद्य शोकातिगोमोदते स्वर्गलोके एष ते अग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यो यमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनास एतम् अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो व्रणीष्व ये प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते केनायमस्तीति चैके
एतद् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः बीसवें श्लोक का भाष्य देखेंगे। एतावद् हि अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन, इसको दोहरा लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। एतावद् हि अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम् यद्वरद्वय सूचितम् वस्तु नायमात्मविषयम् याथात्मविज्ञानम् वस्तु नायम आत्मतत्व विषयम् याथात्म विज्ञानम् अतः विधि प्रतिषेधार्थान विषयस्त्वात्मनि अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य वात्मनि क्रियाकारक फलादि अध्यारोपलक्षणस्य स्वाभाविकस्य ज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम् तद्विपरीत ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम् क्रियाकारक फला अध्यारोपण लक्षण शून्यम् आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजने क्रियाकारक फला अध्यारोपण लक्षण शून्यम् आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम् वक्तव्यमिति उत्तरौ ग्रंथवारभ्यते तमेतद् अर्थं द्वितीय वर प्राप्ति अप्याप्रकृतार्थत्वम् तृतीय वर गोचरम् आत्मज्ञानम् अंतरेणात्मा आख्यायिका प्रपंचयति उन्नीस मंत्रों तक यह एक प्रकरण कहलाता है और उन्नीसवें मंत्र में आकर इस प्रकरण की समाप्ति होती है और 19वें ही मंत्र में इसीलिए फलश्रुति का श्रुति ने उपदेश किया कि ये व्यक्ति को क्या फल मिलता है। मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके,
इस 18वें श्लोक में आके समापन कर दिया इसने। अब इस 19वें श्लोक से 20वें श्लोक में जो नया प्रकरण प्रारंभ होता है उसकी आपस में संगति कैसे लगेगी, समझ में आ रहा है? ये 19 मंत्र तक एक प्रकरण था, 20वें मंत्र से एक नए प्रकरण की श्रुति बात करती है, इसलिए 19वें मंत्र से 20वें मंत्र के आने के लिए जो भाष्यकार ने भाष्य लिखा है उसको संबंध भाष्य कहते हैं। और ये संबंध भाष्य बहुत महत्वपूर्ण है, तभी व्यक्ति आगे के मंत्रों को समझ सकता है। देखिए क्या बोलते हैं, पहला ही शब्द बड़ा सुंदर है, एतावद ही, मिल गया सबको ये पेज नंबर 23 पे, एतावद ही, सिर्फ इतना ही। एतावद ही का मतलब क्या हो गया, इतना ही, भूले कितना ही, हाँ तो स्पष्ट नहीं होता है, जीव भाव में रहते हुए व्यक्ति विराट भाव तक ही पहुंच सकता है, इतना। ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए, यदि मैं जीव भाव में हूं तो यहां तक हमारा उन्नयन हो सकता है, इसलिए बार बार सावधानी से जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वह जीव भाव है, यह ज्ञानी नहीं है अभी, ज्ञान का प्रकरण तो प्रारंभ ही नहीं हुआ। लेकिन यदि कोई अपने आप को जीव मानता होवे तो इस जीव भाव में रहकर उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है वह सिर्फ विराट भाव की प्राप्ति है, इससे ज्यादा कुछ वो जीव प्राप्त नहीं कर सकता। हमको ऐसा लगता है कि गरीब से अमीर बन जाए, धनी से और धनी बन जाए, बड़ा यशवान हो जावे, ये जीव का उन्नयन नहीं है। जिसको हम सोचते हैं कि ये प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, वो बहुत छोटी सी चीज है। धन मिल जाए, यश हो जावे, रोग दूर हो जावे, ये जीव का उन्नयन अधिकतम नहीं है, तो बहुत छोटा सा उन्नयन है। जीव चाहे यदि इसी शरीर से, किस शरीर से, इस पंच भौतिक शरीर से जीव भाव में रहते हुए, जीव भाव में रहते हुए मतलब अज्ञान दशा में रहते हुए, इसी ज्ञान से वो चाहे तो विराट भाव तक की प्राप्ति कर सकता है, ये जीव भाव का आखिरी उन्नयन है। मतलब इससे ज्यादा उसका उन्नयन जीव भाव में रहकर अब नहीं हो सकता, इसको कह लें कि मैक्सिमम हाइट है जीव की। इसमें कोई आपत्ति है? क्यों सूजी? इसीलिए तो मैं बोलूं मैक्सिमम हाइट है, और यह स्थिति भी किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। जीव तो अपने शरीर से ज्यादा अहम के बारे में सोच ही नहीं पाता,
कल भी मैं आपसे इतने दिन से कह रहा हूं, उसकी ज्ञान, उसकी शक्ति, उसकी दृष्टि उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा अहम होगा। क्या कहा गया? उसका ज्ञान, उसकी शक्ति, उसकी दृष्टि उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा अहम होगा। अहम मतलब तादात्म्य। उल्टा भी है, उसके पास उतनी ही शक्ति होगी जितना वो क्षुद्र से क्षुद्र अहम तक तादात्म्य कर सकता है। क्षुद्र अहम कितना हो सकता? अच्छा, इसकी न्यूनतम सिर्फ मैं, ये भी तो है। ये अपना खा लेगा, मैं अपना खा लूंगा, ये खाए चाहे न खाए, मेरा पेट भर गया बस खत्म। ये भी एक है ना, और आज तो बहुत बड़े बड़े घरों में देखने को मिलता है, सबके अलग अलग कमरे हैं, सबकी अलग अलग किचन है, तो वो सोचता है ये तो अपना जाने, मैंने तो अपना पेट क्या भर लिया। पर शायद सामूहिक भोजन करता होता तो यदि वो भोजन नहीं करता तो दूसरा वाला देखता कि इसका पेट तो कुछ और व्यवस्था की जाए, कुछ और बनाया जाए, कुछ तो करता। तो अब देखो, क्षुद्र अहम यहां तक हो सकता। अच्छा, अगर ऐसा क्षुद्र अहम होवे तो उसको कितना धन प्राप्त हो सकता है? तो समष्टि कहेगी कि तुम अपने शरीर को क्या कर लो, पुष्ट कर लो, इतना ही काफी है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि इतनी बड़ी है नहीं कि तुम्हारे घर में अन्य लोग भी भूखे। हमने सीजन की चीजें खा ली तो उस नौकर का क्या हुआ, उस सेवक का क्या हुआ? मैं कभी ऐसा सोचता हूं कि जो आम फ्रिज में वो रख रहा है हापुस, उसके भी तो मन में आता होगा, नहीं आएगा तो क्या उसको दिया? सोच के देखो क्या वृत्ति बनती है उस समय। बोली नौकर के लिए थोड़ी ना है। वाह, ये दृष्टि देखो, ये अहम है हमारा, ये अच्छा वाला, तो वो खराब वाला ये उसके लिए। इसे कैसे हो सकता है खराब वाला उसके लिए? आपके यहां तो एक सूक्ति ही कही गई, बहुत बहुत इस श्रुति से बड़ा समाधान मिलता है ना, कि हमको क्या व्यवहार करना चाहिए। वह व्यवहार नहीं करना चाहिए दूसरों को जो अच्छा लगता है, ये नहीं कहा गया, क्योंकि उसको तो बहुत बुरी चीजें भी अच्छी लगती। आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, एकदम ये दिमाग में स्पष्ट रहना चाहिए, व्यवहार में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आत्मना प्रतिकूलानी, जो मुझे नहीं अच्छा लगता वो दूसरे को भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, उल्टा भी है, जो मुझे अच्छा लगता है वही दूसरे को भी अच्छा लग सकता है। सोचो आप, मैं तो कहता हूं ये कर्म में ना भी आवे तो कम से कम भाव में तो आ जावे, यही एक बड़ी उपलब्धि पहले। अब ये आपको अपने घर में करके देखना है और अपनी अपनी स्थिति जानना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, अपना अहम कितना है ये ईमानदारी से आप पहचानो। इसलिए भगवान से चिल्ला चोट मत करो कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप करें और वो ना दे। उसके यहां क्या बोलते हैं, देर है, ये तो नहीं, गलत तो नहीं हो सकता, ये तो आंख मूंद के कह सकता हूं, वो कभी भी गलत फल नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल।
कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई दोष है। अब वो दोष समझ में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, वो एक अलग बात। तो ये वाक्य अच्छे से दिमाग में रखें, मेरे जीवन में उतनी ही शक्ति, उतना ही ज्ञान, ज्ञान मतलब दृष्टि प्राप्त होगी जितना मेरा अहम होगा। अहम मतलब तादात्म्य। अब यदि शक्ति में बढ़ोतरी चाहिए, ज्ञान में बढ़ोतरी चाहिए, प्रभाव में बढ़ोतरी चाहिए, तो आपको अपने अहम को क्या करना पड़ेगा? बोले कहाँ तक फैला सकते हैं? बोले विराट तक फैला सकते हैं। तो कौन सी शक्ति प्राप्त होगी? ओहो, विराट पर शासन करने की भी शक्ति आप में प्राप्त होगी। अब इसको बोलते हैं विराडाभिमानी। जैसे जागृत अभिमानी, स्थूल शरीराभिमानी, इसी तरीके से विराडाभिमानी एतावद ही। ये इस शब्द का एकदम अर्थ याद रखना है, एतावद ही। एतावद ही मतलब इतना ही। बोले कितना ही? जीव भाव में रहते हुए विराट भाव की प्राप्ति हो जावे, जीव को इससे ज्यादा उन्नयन, इससे ज्यादा जीव का उत्कर्ष नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया? एतावद ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन। ये देखो क्या बोलते हैं, ये इतना ही प्राप्त हो सकता है, ये किसने बताया आपको, किसने कह दिया? तो बोलते हैं यद वरद्वय सूचितम, दोनों वरों को पढ़ने से, दोनों वरों को जानने से लगता है कि इससे ज्यादा अब कुछ प्राप्त। बोलते हैं और किसने कहा? बोलते हैं इस बात को वेद ने कहा, वेद ने कहा। बोले कौन से वेद ने? अरे बोले वेद तो मंत्र ब्रह्म, देखो ये आ गया ना, वेद कैसा है? मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद है। ये आपको मैंने संभवतः ईशावास्य उपनिषद में पढ़ाया होगा, वेद के दो भाग हैं, एक मंत्र भाग है और एक ऐसा नहीं है कि मंत्र भाग में उपनिषद नहीं है। साधारणतः लोग समझते हैं ब्राह्मण भाग में ही ज्ञान है, मंत्र भाग में ज्ञान, मंत्र भाग में पूर्व मीमांसा है, लेकिन मंत्र भाग में भी ज्ञान है, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद वेद के मंत्र भाग में पाया गया। अच्छा, अब अन्य उपनिषद किस में पाए गए? बोले ब्राह्मण भाग में पाए गए। यह कोई विभाग नहीं कह सकता कि मंत्र भाग में उपनिषद नहीं पाए जाते। स्पष्ट हो गया? वेद के दो विभाग हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। स्पष्ट होता है? इसीलिए बोलते हैं मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद। वेद क्या है? मंत्र और ब्राह्मणात्मक जो है वो क्या है? वेद है। तो बोलते हैं फिर किस हिस्से में पाया गया ये बात, किस हिस्से में पाई गई? बोलते हैं विधि प्रतिषेधार्थेन, ये कर्मकांड में ये पाया गया। विधि प्रतिषेध, विधि प्रतिषेध मतलब ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, मिल गया? इसको बोलते हैं मंत्र भाग। स्पष्ट हो रहा है ना? ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? विधि प्रतिषेध। तो वेद के किस हिस्से में पाया गया?
मूल ने विधि प्रतिषेधार्थेन वेद के मंत्र भाग में कर्म कांड भाग में यह पाया गया, क्या पाया गया कि जीव रहते हुए यह जीव विराट भाव तक दोनों वरों से पढ़ने से ये पता लगता है कि जीव का उन्नयन यहां तक हो सकता है। तो बोले अब रह क्या गया जो आप ये कह रहे हो कि ये यहां तक हो सकता है। बोलते हैं न च आत्मतत्व विषयम याथात्म विज्ञानम, जो याथात्म्य का विज्ञान है, याथात्म्य मतलब जो आत्म तत्व का ज्ञान है वह नहीं बताया गया अभी। आत्मा के विषय में जैसी आत्मा है वैसा यह ज्ञान नहीं बनाया गया। बोले तो ये जो विराट भाव है ये क्या है, ये जो विराट भाव है ये क्या है। बोले ये अज्ञान है। वह जो अपने आप को विराट समझ रहा है वो स्वयं में तो आत्मा है लेकिन अपने आप को क्या समझ रहा है, विराट। देखो ये अज्ञान है। जो आत्मा है, जो आत्मा है वह अपने आप को क्या समझ रहा है, विराट। सावधानी से देखें, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये ज्ञान हो रहा है तो ये गलत ज्ञान है। बोले क्यों गलत ज्ञान है, यह ज्ञान तो औपाधिक ज्ञान है। बोले क्यों उपाधिक है भाई, स्थूल शरीर की उपाधि को ग्रहण करके मैं अपने आप को क्या कह रहा हूं, मैं पुरुष हूं और मैं, तो ये तो उपाधि को ध्यान में रख के कह रहे हो, इस उपाधि को हटा दो, अब क्या बचा, जीव कहां से बचा भाई। अब देखो अभी अभी ये विभाग करो आप अपने आप को ये हटा दो कि मैं स्त्री हूं, तो अब मुझे ये बताओ कि आपके अंदर अब क्या भाव आया है, मैं, स्पष्ट होता है ये, स्त्री भाव को हटा दो, यही तो ध्यान है ना। तो पहली बात कुछ बचा कि नहीं बचा, बोले बचा, तो इतनी तो राहत है कि कुछ तो बचा। बोले अब क्या बचा, बोले यह बचा कि मैं हूं। अच्छा आप अपना पुरुष पना हटा दें तो आप क्या बचे, मैं हूं। अब दोनों में क्या रह गया, अगर यह उपाधि हटा दें आप तो जो मैं हूं वही वह, तो ये याथात्म ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। हम तो जीवन भर जो खेल खेल रहे हैं वो औपाधिक ज्ञान में ही खेल रहे हैं। जीवन भर जो जा रहा है वो याथात्म ज्ञान नहीं हो रहा है। शब्द यहां क्या है, याथात्म्य। याथात्म मतलब क्या हुआ, जैसा है वैसा, निरुपाधिक ज्ञान। अभी जो जो ज्ञान हो रहा है वह तो औपाधिक ज्ञान है, इसलिए निरुपाधिक ज्ञान तो अभी तक बताया ही नहीं गया। उस निरुपाधिक ज्ञान को ही औपनिषदक ज्ञान, वेदांतक ज्ञान कहते हैं और इसी को सरल भाषा में आत्मज्ञान भी कहते हैं। वो अभी तक श्रुति ने क्या किया, यद द्वयवर सूचितम वस्तु
न आत्मतत्व विषयम याथात्म विज्ञानम। मिल गया ये इतनी, ये जो भाष्य की पंक्ति है ये, इसमें भी जब और ध्यान करेंगे तो यह मैं क्या है, सबके लिए तो नहीं है ये ज्ञान, बाद में ये पता लगेगा कि मैं और हूं दो अलग अलग चीज, मैं और हूं ये दो अलग अलग नहीं है। चलो आपने छेड़ा तो मैं बोलता हूं, इस पर भी बहुत सारी चर्चा हुई और बड़ा अच्छा मुझे दृष्टि प्राप्त हुई स्वामी जी से बनारस में। जैसे ये घड़ी का होना और घड़ी का ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं, घड़ी का होना और घड़ी का ज्ञान होना दो अलग अलग चीजें हैं। देखो भाई, हाँ, घड़ी का होना और घड़ी का ज्ञान दोनों अलग अलग है, ठीक है, स्पष्ट हो गया। अच्छा, स्वयं का होना और स्वयं का जानना दो एक हैं कि अलग अलग? स्वयं का होना ही स्वयं का जानना है, स्वयं का होना ही स्वयं का जानना है। सत एव चित, चित एव सत। सत मतलब क्या? सत्ता। चित मतलब क्या? भान। हम अपने आप को जब कहते हैं कि मैं हूं, तो ये जान के बोल रहे हैं कि बिना जान के बोल रहे हैं? बना तो अपना होना और अपना जानना, अपना ज्ञान होना दोनों कैसे हैं? एक हैं। लेकिन जगत के विषय में, जगत वस्तु का होना, और वस्तु बहुत सारी हैं, लेकिन उसका ज्ञान होना वो एक दूसरी चीज है। स्वयं के बारे में, स्वयं को अगर जान लिया तो स्वयं का होना और स्वयं का जानना दोनों कैसे हैं? एक हैं। इस तरीके से तद्वत मैं और हूं, ये दो शब्द लगाने की जरूरत क्यों है? मैं कहने से ही ये पता लग रहा है कि आप हैं, इसलिए श्रुति कहती है मैं शब्द भी डूब जाना चाहिए। तो अब क्या बचा? ये ज्ञान है। अस्ति मात्र, इसी को श्रुतियों में आपने शब्द पढ़ा सन मात्र, सन मात्र, चिन मात्र, आनंद मात्र। बना इस स्थिति में पहुंच जावे व्यक्ति तो बड़ा आनंद है। सब कुछ को क्या देखे? सन मात्र। क्या है? सत्ता मात्र है। मैं भी कौन हूं? सत्ता मात्र ही हूं। ऐसा ज्ञान, ये तो कैसा ज्ञान हुआ? निरुपाधिक ज्ञान हुआ, ये बाद में आएगा। लेकिन यह मैं हूं कहना भी एक्चुअली में कैसा ज्ञान हुआ? औपाधिक है। मैं हूं और तुम मैं हूं, दूसरा वाला भी क्या बोला है? इसका मतलब कहीं दो मैं आपस में क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। मैं हूं, वो कह रहा है मैं हूं। अच्छा, मैं कह दूं हूं, अस्थि मात्र, तो सभी उस अस्थि मात्र में क्या हो गए? आ गए। करके देखना आप ये जब ध्यान में, तो समझ में आएगा ही। तो अभी तक श्रुति ने याथात्म ज्ञान को नहीं बताया,
इसलिए अभी तक मंत्र ब्राह्मणात्मक जो वेद है, अब देखो आप पढ़ क्या रहे हो, वेद, ये जो कठोपनिषद है ये क्या है, वेद। किस वेद में पाया गया ये किस वेद में पाया गया, यजुर्वेद में, है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद आप पढ़ रहे हो। अब यही चीज गड़बड़ी कुछ अन्य क्या कहने धर्मा धर्म के मानने वालों ने की, मंत्र भाग को तो ले लिया और ब्राह्मण भाग को छोड़ दिया। आर्य समाजी बोले आपने क्यों छोड़ दिया, बोलते हैं क्योंकि इसमें ज्ञान की बात की गई है, इसमें कर्म की बात नहीं की गई। तो मंत्र भाग क्यों ले लिया, बोलते हैं इसमें सिर्फ किसकी बात की गई है, अरे तो ईशावास्य उपनिषद तो ज्ञान की बात की गई है बना। इसलिए आर्य समाज जो है वो सिर्फ कौन सा भाग लेता है, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग को क्या करता है, छोड़ देता है, ज्ञान पक्ष को वो स्वीकार नहीं करते, सिर्फ क्या स्वीकार करते हैं। तो वेद में तो कर्म भी है और वेद में तो ज्ञान भी है, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद, दोनों ही चीजें आती हैं। मंत्र संहिता में ही तो आपका ईशावास, इसलिए वो लोग ईशावास्य उपनिषद को स्वीकार करते हैं। हो गया, तो एतावद ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन, देखो जो मंत्र भाग है, जो वेद का ऐसा भाग है, वो कहता है विधि प्रतिषेध। विधि प्रतिषेध मतलब ऐसा करो और ऐसा न करो, मंत्र भाग इसको कहते हैं, है ना। क्या कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं आप, विधि मंत्र भाग कैसा है, ये करो, भाई कर्म में यही कहा जाएगा, क्या चीज, ऐसा करो और ऐसा न करो। तो विधि प्रतिषादि विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम, ऐसा समझना चाहिए। यद वरद्वय सूचितम, दो वरों से ये सूचित किया गया अभी तक की बात, वस्तु न आत्मतत्व विषयम, आत्मतत्व के बारे में अभी कुछ भी ज्ञान नहीं दिया गया। आत्मतत्व विषयम याथात्म विज्ञानम, इस संबंधी कोई ज्ञान नहीं दिया गया। अतः मिल गया, अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रिया कारक फल आदि अध्यारोपण लक्षणस्य, देखो देखो कितनी अच्छी बात कही गई, ये फिर से पढ़ना ही है अपना भाष्य। अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रिया कारक फल आदि अध्यारोपण लक्षणस्य, देखो अभी तक आपको क्या बनाया गया महाराज, कर्ता बनाया गया, क्या बनाया गया, सत्कर्म करो, कर्म योग का पालन करो, तो क्या बनाया गया, कर्ता। अच्छा किसको कर्ता बनाया गया, आत्मा को, जो कि अकर्ता है, पकड़ में आ रहा है, जो कि अकर्ता है उसको क्या करा गया, कर्ता बनाया गया। क्या कहा गया कि ऐसा करोगे तो तुमको आनंद प्राप्त होगा, और जबकि आप कैसे हैं, आनंद स्वरूप हैं, स्पष्ट हो रहा है। तो हैं तो आप आत्मा, लेकिन आप में क्या किया गया, क्रिया कारक लक्षण, ये सब का क्या किया गया, अध्यारोप किया गया। देखो
अब प्रश्न ये है, क्यों किया भाई अध्यारोप? अच्छे खासे थे आत्म चैतन्य, क्योंकि तुम अपने को आत्म चैतन्य समझ नहीं रहे थे। फिर से प्रश्न आएगा, क्यों नहीं समझ रहा था कि मैं चेतन हूं? क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं। वाह, एक एक का जवाब है आपके क्वेश्चन का। आत्मा क्यों नहीं समझ रहे थे? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं था। तो क्या करें अंतःकरण शुद्ध के लिए? आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं, ध्यान रखना, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आपको ये सब चक्कर क्या किया गया, लगवाया गया। तो कहा गया सत्कर्म करो, सत्कर्म से ऊपर उठो। बोले बड़ी मुश्किल से सत्कर्म कर रहे थे, वो विभाग तो ऐसा ही हुआ ना। कर्म, कर्म के दो विभाग, एक सत्कर्म एक दुष्कर्म। तो तुमको सत्कर्म की गली में जाना है। वो चलने लगा, बोलते हैं अब थोड़ा पलट जाओ। अब क्या हुआ? बोले क्या हो रहा है इसका साइड इफेक्ट, कि तुम अपने आप को अहंकारी समझने लगे हो। क्या समझने लगे हो? देखो आता है ना व्यक्ति को, मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने इतना व्रत किया, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतनी माला की, मैंने इतना मंदिर दर्शन किया, मैंने ये किया, अमुक 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 अमुक। तो बोले तो दोष आ गया, ये तो अंतःकरण क्या शुद्ध होगा। बोले अब तुम सत्कर्म मत करो। बोले फिर, बोले एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ो, अब कर्मयोग करो। अब कर्मयोग करते समय करो यही सब। अब किसके लिए कर रहे हो? स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, ईश्वर के लिए कर रहे हो। वाह, देखो उद्देश्य बदल गया। और ये भी ध्यान रखो, करने वाले तुम नहीं हो, करने वाला वो है। अब क्या आ गया? कर्मयोग। इसी कर्मयोग में भक्ति अपने आप क्या हो गई? किसके लिए कर रहे हो? बोले भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भक्ति आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए हमारे स्वामी जी कहते थे कर्म योग और भक्ति योग दो एकदम ही अलग योग नहीं है। लोग ऐसा बंटवारा करते हैं, वो गलत है। कर्म योग में ही भक्ति योग क्या हुआ है? छिपा हुआ है। हां, जब वह उस भाव प्रधान हो जावे तब समझ लो ये किस में आ गया? भक्ति में। और जब ये कर्म प्रधान हो जावे तो किस में आ गया? कर्म योग में। लेकिन कर्म योग में जिसके लिए कर्म कर रहा है उसका नाम आविरावीर्मयि वेदस्यमवार्णिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीहि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ
शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभेतीर्त्वावशनाया पिपासे शोकाति गोमोदते स्वर्गलोके स्वतम अग्निगम स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितगम श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोकावमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन व्रणे वरेण प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यं अग्निं नचिकेत प्रजानन् अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै य ईष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तम् अथासि मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा महात्मा
वरम तविहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायामवग्निः श्रीकाम चेमामनेकरूपां गृहाण त्रिलाचिकेततिभिरेत्य सन्धिम् त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मागं शान्तिमत्यन्तमेति त्रिणाचिकेतत्रयमेत विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरुता प्रणोद्य शोकातिगोमोदते स्वर्गलोके एष ते अग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यो यमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनास एतम् अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ये प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः उन्नीस बीसवें श्लोक का भाष्य देखेंगे। एतावद् हि अतिक्रान्तेन विधि प्रतिषेधार्थेन, इसको दोहरा लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। एतावद् हि अतिक्रान्तेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम्
यद्वरद्वयसूचितं वस्तु नायम आत्मविषयं याथात्मविज्ञानम् वस्तु नायम आत्मतत्वविषयं याथात्मविज्ञानम् अतः विधि प्रतिषेधार्थान विषयस्त्वात्मनि अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्यवात्मनि क्रियाकारक फलादि अध्यारोपलक्षणस्य स्वाभाविकस्य ज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम् तद्विपरीत ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम् क्रियाकारक फला अध्यारोपण लक्षण शून्यम् आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजने क्रियाकारक फला अध्यारोपण लक्षण शून्यम् आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम् वक्तव्यमिति उत्तरौ ग्रंथवारभ्यते तमेतद् अर्थं द्वितीय वर प्राप्ति अप्याप्रकृतार्थत्वम् तृतीय वर गोचरम् आत्मज्ञानम् अंतरेण आत्मा आख्यायिका प्रपंचयति उन्नीस मंत्रों तक यह एक प्रकरण कहलाता है और उन्नीसवें मंत्र में आकर इस प्रकरण की समाप्ति होती है और उन्नीसवें ही मंत्र में इसीलिए फलश्रुति का श्रुति ने उपदेश किया कि ये व्यक्ति को क्या फल मिलता है। मृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, इस 18वें श्लोक में आके समापन कर दिया इसने। अब इस 19वें श्लोक से 20वें श्लोक में जो नया प्रकरण प्रारंभ होता है उसकी आपस में संगति कैसे लगेगी, समझ में आ रहा है। ये 19 मंत्र तक एक प्रकरण था, 20वें मंत्र से एक नए प्रकरण की श्रुति बात करती है, इसलिए 19वें मंत्र से 20वें मंत्र के आने के लिए जो भाष्यकार ने भाष्य लिखा है उसको संबंध भाष्य कहते हैं और ये संबंध भाष्य बहुत महत्वपूर्ण है, तभी व्यक्ति आगे के मंत्रों को समझ सकता है। देखिए क्या बोलते हैं, पहला ही शब्द बड़ा सुंदर है,
एतावद ही मिल गया सबको, ये पेज नंबर 23 पे एतावद ही सिर्फ इतना ही। एतावद ही का मतलब क्या हो गया, इतना ही भूले कितना ही, हाँ तो स्पष्ट नहीं होता है। जीव भाव में रहते हुए व्यक्ति विराट भाव तक ही पहुंच सकता है, इतना ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यदि मैं जीव भाव में हूं तो यहां तक हमारा उन्नयन हो सकता है। इसलिए बार बार सावधानी से जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वह जीव भाव है, यह ज्ञानी नहीं है अभी, ज्ञान का प्रकरण तो प्रारंभ ही नहीं हुआ। लेकिन यदि कोई अपने आप को जीव मानता होवे तो इस जीव भाव में रहकर उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है वह सिर्फ विराट भाव की प्राप्ति है, इससे ज्यादा कुछ वो जीव प्राप्त नहीं कर सकता। हमको ऐसा लगता है कि गरीब से अमीर बन जाए, धनी से और धनी बन जाए, बड़ा यशवान हो जावे, ये जीव का उन्नयन नहीं है। जिसको हम सोचते हैं कि ये प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, वो बहुत छोटी सी चीज है। धन मिल जाए, यश हो जावे, रोग दूर हो जावे, ये जीव का उन्नयन अधिकतम नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा उन्नयन है। जीव चाहे यदि इसी शरीर से, किस शरीर से, इस पंच भौतिक शरीर से जीव भाव में रहते हुए, जीव भाव में रहते हुए मतलब अज्ञान दशा में रहते हुए, इसी ज्ञान से वो चाहे तो विराट भाव तक की प्राप्ति कर सकता है। ये जीव भाव का आखिरी उन्नयन है, मतलब इससे ज्यादा उसका उन्नयन जीव भाव में रहकर अब नहीं हो सकता। इसको कह लें कि मैक्सिमम हाइट है जीव की, इसमें कोई आपत्ति है? क्यों सूजी? इसीलिए तो मैं बोलूं मैक्सिमम हाइट है, और यह स्थिति भी किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। जीव तो अपने शरीर से ज्यादा अहम के बारे में सोच ही नहीं पाता। कल भी मैं आपसे इतने दिन से कह रहा हूं, उसकी ज्ञान, उसकी शक्ति, उसकी दृष्टि उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा अहम होगा। क्या कहा गया? उसका ज्ञान, उसकी शक्ति, उसकी दृष्टि उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा अहम होगा। अहम मतलब तादात्म्य। उल्टा भी है, उसके पास उतनी ही शक्ति होगी जितना वो क्षुद्र से क्षुद्र अहम तक तादात्म्य कर सकता है। क्षुद्र अहम कितना हो सकता है? अच्छा, इसकी न्यूनतम सिर्फ मैं, ये भी तो है। ये अपना खा लेगा, मैं अपना खा लूंगा, ये खाए चाहे न खाए, मेरा पेट भर गया बस खत्म। ये भी एक है ना,
और आज तो बहुत बड़े बड़े घरों में देखने को मिलता है, सबके अलग अलग कमरे हैं, सबकी अलग अलग किचन है। तो वो सोचता है ये तो अपना जाने, मैंने तो अपना पेट क्या भर लिया। पर शायद सामूहिक भोजन करता होता तो यदि वो भोजन नहीं करता तो दूसरा वाला देखता कि इसका पेट, तो कुछ और व्यवस्था की जाए, कुछ और बनाया जाए, कुछ तो करता। तो अब देखो, क्षुद्र अहम यहां तक हो सकता। अच्छा, अगर ऐसा क्षुद्र अहम होवे तो उसको कितना धन प्राप्त हो सकता है? तो समष्टि कहेगी कि तुम अपने शरीर को क्या कर लो, पुष्ट कर लो, इतना ही काफी है। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि इतनी बड़ी है नहीं कि तुम्हारे घर में अन्य लोग भी भूखे। हमने सीजन की चीजें खा ली तो उस नौकर का क्या हुआ, उस सेवक का क्या हुआ? मैं कभी ऐसा सोचता हूं कि जो आम फ्रिज में वो रख रहा है हापुस, उसके भी तो मन में आता होगा, नहीं आएगा तो क्या उसको दिया? सोच के देखो क्या वृत्ति बनती है उस समय। बोले नौकर के लिए थोड़ी ना है। वाह, ये दृष्टि देखो, ये अहम है हमारा। ये अच्छा वाला तो वो खराब वाला ही उसके लिए। ऐसे कैसे हो सकता है खराब वाला उसके लिए? आपके यहां तो एक सूक्ति ही कही गई, बहुत बहुत इस श्रुति से बड़ा समाधान मिलता है ना, कि हमको क्या व्यवहार करना चाहिए। वह व्यवहार नहीं करना चाहिए दूसरों को जो अच्छा लगता है, ये नहीं कहा गया। क्योंकि उसको तो बहुत बुरी चीजें भी अच्छी लगती। आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, एकदम ये दिमाग में स्पष्ट रहना चाहिए, व्यवहार में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आत्मना प्रतिकूलानी, जो मुझे नहीं अच्छा लगता वो दूसरे को भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, उल्टा भी है, जो मुझे अच्छा लगता है वही दूसरे को भी अच्छा लग सकता है। सोचो आप, मैं तो कहता हूं ये कर्म में ना भी आवे तो कम से कम भाव में तो आ जावे, यही एक बड़ी उपलब्धि पहले। अब ये आपको अपने घर में करके देखना है और अपनी अपनी स्थिति जानना।